जीवन सफल गंगा मैया राउर पावन की जलबा डुबकी लगावे जे भी जीवन सफल बा। धरती के पाप तू ही धोवे लुवाई तब आज जल राउर सबसे निर्मल बा। हे गंगा मैया देवी देवता है जल से नहाला बूंदे बूंदे केरा में अमृत घुललवा। धरती के पाप तू ही धोवे लुवाई तब आज जल राउर सबसे निर्मलवा। हे गंगा गंगे। हरे
को दिया में दे दी माई सुघर ललनवा एको ललनवा बिना सुन बाबा बनावा सुन बाबा बनावा सुनी माता रानी दूर करी परेशानी बहुत अफतरा में पानी जी महारानी जी अमर सुहाग के निशानी गंगा माई मांगतानी
बीच रही लहरा जिनकी भुजा में कंगन शोभित कर में शंख चूड़ी दिखाए स्युत वस्त्र धारण माँ करती उज्जवल छटा रही बिखरा मांगे में टीका नाक नथनिया पग पे जनिया रही बजाए स्युत मोतियों का गरमाला तन का रहा सौंदर्य बढ़ा तीनों लोक चौदह भुवन में की ध्वजा रही फेरा निर्मल जल में जो डुबकी मारे सात जन्म के पाप नसा जगतारण को आई धरा पे कल कल करती बहती जहां तुम बिन यज्ञ न पूरे होते चाहे करे कोई कोट उपाय कैसे आई धरा धरती पे पावन कथा को रही सुना अवध के राजा सगर प्रतापी ध्वजा रही लहरा जिनकी रानी परम सुंदरी पेदर भी जिनका नाम कहा पट रानी भी अति सुंदर थी जिन समान कोई दूजा ना पट रानी का नाम सभ्या जिसे देख सुंदरता लजा चंद्रमुखी लगती थी दोनों कमल के जैसे नैन दिखा ओठ गुलाब की पंखुड़ी लगे ओठ गुलाब की पंखुड़ी लगे तन के चमक से सूर्य लजाए लेकिन दोनों के पुत्र नहीं थे पुत्र की चिंता रही सता राजा सगर भी चिंतित रहते सूझे रहा ना कोई उपाय राजकार्य मंत्री पे छोड़े जंगल की ओर कदम बढ़ाए आगे राजा पाछे रानिया चल के भृगु क्षेत्र में आए भृगु मुनि की जो तप भूमि जहाँ का तप खाली ना जहाँ राजा सगर ने तप काया सन आंखें खोलो राजन भला ऐसा कौन सा कारण है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो राजन तुम्हारे इस विराट तप से पृथ्वी ऐसी तप रही है मानो प्रलय आने वाला हो आंखें खोलो यह भृग ऋषि की भूमि है राजन और इस भूमि से आज तक कोई भी निराश नहीं लौटा है कारण बताओ राजन कुछ तो बोलो तुम्हारे तप का बल अति बलशाली है अर्थात अब विलंब ना करो राजन अपनी इस कठिन तपस्या का कारण बताओ ऋषिवर आपको सादर चरण वंदन करता हूं प्रणाम करता हूं हे ऋषिवर कहने को तो मेरे पास संसार का सारा धन वैभव ऐश्वर्य और मेरे राज्य की दूर दूर तक ख्याति है परंतु भगवान
इतना सब होने के बाद अगर इस राजपाट का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो बहुत दुख की बात है भगवान। मुझे संतान दो, मेरा राजमहल भी किलकारियों से गूंजे भगवान। संतान सुख के बिना निरर्थक है सारा जीवन ऋषिवर। मुझे संतान दो, मुझे संतान सुख दो ऋषिवर। राजन, भला तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा राजमहल किलकारियों से नहीं गूंजेगा? इतना चिंतित ना हो राजन, भृगु ऋषि की इस पावन भूमि से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। तुम्हें संतान सुख मिलेगा और अवश्य मिलेगा। तुम्हें एक रानी से एक पुत्र और दूसरी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जाओ राजन, तुम खुशी खुशी राजमहल में जाओ। ये हमारा वचन है जो कभी खाली नहीं जाएगा। जाओ और जाकर यह खबर रानियों को सुनाओ, खुशियां मनाओ राजन, जाओ। सगर को तप में पाए, बदन सूख के काटा हो गया, लागे प्राण तन छोड़ के जाए। जा पहुंचे भृगु सगर के सन्मुख, उनको तप से दिए उठा। भृगु ऋषि सगर से बोले, पल में लागे प्रलय हो जा, मेरे तपोभूमि में आकर कोई खाली हाथ न जाए। तप का बल अति ताकतवर है, इस समान कोई दूजा ना। क्या है तेरा मनोरथ राजन, यथाशीघ्र तो मुझे बताए। राजा सगर भृगु से बोले, मुनिवर सुनिए ध्यान लगा। चिंता रही सता, भृगु मुनि राजा से बोले, राजन सुनिए मन चित लाए। एक रानी से एक पुत्र हो, दूजी से हो 60,000, खुशी खुशी तुम घर को जाओ। मेरा वचन न खाली जाए, व्रत न जाए देव ऋषि की वाणी। मन में लो ये बात बिठार, खुशी खुशी रानी जनता। लहर खुशी का गया समाए, महल में आए कुछ दिन बीते। समाचार गए सुखद सुनाए, रानी को एक लड़का हुआ है। राजा फूले नहीं समा, धूम मची है राज महल में। असमंजस गया नाम रखा, दूजे के गर्भ से पिंड निकल गया। हारे देखत रह जाए, फटा पिंड किलकारी गूंजे।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बधाई हो राजन, बधाई हो। क्या बात है पहरेदार, और बधाई किस बात की दे रहे हो? महाराज, महारानी को बड़ा रूपवान बेटा हुआ है महाराज, और पटरानी के पेट से एक पिंड निकला है, और धरती पर पड़ते ही वह पिंड फट पड़ा है, जिससे 60,000 सुंदर सुंदर रूपवान पुत्रों ने जन्म लिया है राजन, पूरे 60,000 पुत्रों ने। आप 60,000 पुत्रों के पिता बन गए राजन, बधाई हो, बधाई हो राजन, आप 60,000 पुत्रों के पिता बन गए। पास में आसन लगा, ढोल नगाड़े बजे धुंधुबी, सुंदर ध्वनि है रहा सुना हुआ सब का भव्य आयोजन, पंडित मंत्रोच्चार सुना विंध्यगिरी की छटा निराली। यज्ञ गया है खना अश्व मेघ का अश्व सजा के, राजा तिलक दिए लगवाए आगे अश्व मेघ का घोड़ा, अंशुमान पीछे से जहां राक्षस रूप इंद्र ने पकड़ा, और घोड़े को लिया चुराए कपिल मुनि के आश्रम जाकर, वहीं पे घोड़ा दिया टिका भटके। अश्व का हाल सुना राजा ऋषि मुनियों से बोले, किसी ने अश्व को लिया चुराए ऋषि मुनि राजा से बोले, राजन सुनिए ध्यान लगा अश्व बिना ये यज्ञ अधूरा, यज्ञ न पूरा होने पाए किसी तरह से अश्व ढूंढिए, नहीं तो यज्ञ विफल हो जाए अश्व मेघ और बिना अश्व के। राजन, ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी के संकेत लग रही है। हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाए, ये बहुत बड़ा अपशकुन का संकेत है राजन। राजन ध्यान से सुनिए, अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो गया है तो उसे धरती अंबर पाताल जहां भी हो ढूंढवाइए, उस अश्व के बिना यह यज्ञ अधूरा है राजन। जैसे भी हो उस अश्व को ढूंढिए, खोजिए राजन, नहीं तो आपका यज्ञ विफल हो जाएगा। पुत्रों, ये हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे सम्मान की बात है, आज बात हमारी प्रतिष्ठा पर आ गई है। धरती अंबर नदियां समंदर आकाश पाताल ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कोना हो, हर हाल में हमें अश्व का मेध अवश्य चाहिए। मैं अपने सारे 60,000 पुत्रों को यह आज्ञा देता हूँ कि अभी इसी हाल में कहीं भी
कैसे भी एन कैन प्रकारण खोज कर लाओ, वो भी अतिशीघ्र, आदेश का पालन हो, जाओ। बल अपना दिए पठान 60,000 पुत्रों को छोड़े, जिनकी वीरता वर्णी न जाए, चले वीर समी धरती हिले, देवी लोक भी गए थर रहा, धरती पे जितने राक्षस थे वहां डर से कंदरा बीच समा, एक से एक महाबलशाली जिसका बल था है न कहा, 60,000 60,000 पुत्र सब आके अपनी ताकत दिए लगाए, फिर भी घोड़ा नहीं मिला तो लिए को दाल उठा, लगे धरती माता को खोदनी, धरती को दिए पताल बना, सागर पुत्र ने सागर खोदा, सागर नाम सागर कहला, जा पहुंचे पातालपुरी में, कपिल मुनि जहां आसन लगाए, जहां विष्णु थे कपिल रूप में, वही घोड़े को बंधे हैं पहाड़, ऋषि को ध्यान मग्न देखे हैं। ऋषि को ध्यान मग्न देखे हैं, क्रोध की उनकी सीमा नहीं, यही चोर पापी मुनिवर है, सागर पुत्र ने किया विचार, डर से भेष मुनि का पकड़ा, देते हैं इसे मजा चखाए, जा पहुंचे मुनिवर के पास में, मारो पकड़ो रहे चिल्लाए, कपिल मुनि ने आंखें खोली, दृष्टि सागर पुत्रों पे टिकाए, आंखों से निकली चिंगारी, सागर के पुत्रों को दिया जलाए, भस्म हो गई काया उनकी। अंशुमान को लिए बुलाए, अपने पुत्र अंशुमान को, राजा सागर विधिवत समझाए, घोड़े और अपने चाचा को, तू ही सकता है ढूंढ के लहा, यथा शीघ्र प्रस्थान करो तुम, नहीं तो यज्ञ विफल हो जा, तुम ही कुल के दीपक मेरे, कह के सीने से लिया लगा, अंशुमान प्रस्थान किए हाँ। अंशुमान प्रस्थान किए हैं, जब भगवती वासुदेवाय कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां थे मुनिवर ध्यान लगा, किया है श्री हरि की स्तुति, कपिल मुनि प्रसन्न हो जाए, कपिल मुनि बोले अंशुमान से, बात को सुन लो ध्यान लगा, तेरा अश्व तो बंधा पड़ा है, इसे खोल कर तू ले जा, ये भस्म तेरे चाचाओं की, जो कि मुझको समझ न पाए, बिन गंगा जल तर नहीं सकते। प्रणाम ऋषिवर, मैं राजा सागर का पुत्र अंशुमान आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। भगवान, मेरे पिता राजा सागर ने विराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया,
जिसका अश्व कहीं गुम गया है, जिसका पता लगाने के लिए मैं स्वयं आया हूं ऋषिवर, और आपके आश्रम में उस अश्व को देखकर आपसे जानने की जिज्ञासा हुई भगवान, क्योंकि यह अश्व को ढूंढने के लिए मेरे 60,000 चाचा भी गए थे, जिनका कोई भी कुछ भी किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। वह कहाँ है? मैं अश्व के साथ उनका भी पता लगाने आया हूं भगवान। वत्स अंशुमान, किसी ने छल से अश्वमेध का अश्व यहां पर बांध दिया है, जिसे तुम ले जा सकते हो। और रही बात तुम्हारे 60,000 चाचाओं की, तो वो अहंकार के मद में मुझे पहचान नहीं पाए और सब मेरे हाथों भस्म हो चुके हैं। यह राख का ढेर जो तुम देख रहे हो, यह उन्हीं 60,000 वीरों का है। पर ध्यान रहे, यह राख का ढेर बिना गंगा जल के तर नहीं सकता, क्योंकि इन्हें ब्रह्मदंड मिला है और बिना गंगा के ये मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो इन्हें तारने के लिए माता गंगा के जल की आवश्यकता है। बिना गंगा के ये मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। दिलीप को दी बतलाए, अंशुमान भी प्राण तज दिए। एक पैर पे खड़े
पुकारत गंगा माँ, भीषण तप को शुरू कर दिए। भागीरथ तप किए जाए फिर भी नहीं माँ गंगा प्रगटी। तप को दिए और बढ़ाए गर्मी में अग्नि बिछ देते, जाड़े में बर्फ पे आसन लगाए खाना पीना छोड़ दिए हैं। वायु पीकर दिन वो बिताए, वायु भी पीना बंद कर दिया। प्राण गए हैं कंठ पे आए, तप से तीनों लोक हिल गया। भागीरथ आंखें खोलो, हजारों वर्षों के तुम्हारे इस घोर तप ने हमें आज विवश कर दिया है। वत्स आंखें खोलो और देखो, स्वयं श्री हरि विष्णु माता गंगा को लेकर आए हैं। आंखें खोलो और बताओ कि गंगा को इस धरा में लाने का क्या अभिप्राय है। हमें बताओ वत्स, किस कारणवश पतित पावनी गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर बुलाना चाहते हो। कहो वत्स, कहो क्या कारण है, कुछ तो कहो। प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं श्री हरि विष्णु के चरणों में, श्री ब्रह्मा जी के चरणों में, माता गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान, अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढते हुए हमारे 60,000 पूर्वज कपिल ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और वहां यज्ञ का अश्व दिख गया। और फिर क्या था, वह अहंकार के मद में इतने चूर हो गए कि वह कपिल मुनि जैसे विराट संत का अपमान करने की भूल कर बैठे। और इस पर कपिल मुनि ने उन्हें ब्रह्म दंड से दंडित कर सभी की काया को भस्म कर दिया। उनका शरीर तो राख हो गया भगवान, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भगवान, मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए मोक्षदायिनी मां गंगा की आवश्यकता इस पृथ्वी को है। अर्थात मेरे पूर्वजों को तारने के लिए मुझे केवल मां गंगा का जल चाहिए, जिससे मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। भगवान, मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके, मुझे गंगा माँ चाहिए। भगवान, मुझे गंगा माँ चाहिए। तथास्तु। जीवन सफल हो जाए ऐसा ही हो भक्त भागीरथ। वर दे कर तीनों मुस्काए, विष्णु के चरण से छूटी है गंगा। बेग भयानक ली है पनाह, अति
अति प्रचंड वेग गंगा का। पर्वत भीराई बन जाए अति भयानक रूप बनाई, धरती लागे रसा तल जाए रौद्र रूप देख गंगा माँ का। पल में लागे प्रलय हो जाए मस्त भूमि में शिव शंभु जी, अपना आसन कैलाश पिलाए हाहाकार मचा दिन लोक में। गंगा को कोई रोक न पाए देवता संग भागीरथ पहुंचे। जपे ओम नमो शिवाय यथा श्रीग यदि नहीं जगे तो, तीनों लोक जल मग्न हो जाए कोई भी कमड़ी बच नहीं सकता। थोड़ी भी गर तेरे लगा ध्यान भंग हुआ शिव शंभु का। शिव जी मंद मंद मुस्का देवताओं के संग भागीरथ, आप बीती सब दिए सुना शिव शंभु ने बात सुनी तो। शिव शंभु ने बात सुनी तो सभी देव गल गए हर साय रोकन हेतु प्रचंड वेग को। शिव गंगा के सन्मुख यहाँ काल पनी बिकराल है गंगा, महाकाल को समझ न पाए गंगा जी शिव जी से बोली। तीनों लोक को दूंगी बहा प्रभु को रोक नहीं कोई सकता, जिसको जोर है वो अजमाए अहंकार बस गंगा जी ने। अपने वेग को दिया बढ़ा रौद्र रूप धरे रौद्र के आगे। हे भगवान, ये तो और भी अनर्थ हो जाएगा। माता गंगा को मैंने इस पृथ्वी पर तो बुला लिया, लेकिन मैं इस बात से तो अनभिज्ञ रहा कि माता के इस प्रचंड वेग को भला कौन रोक पाएगा, भला किस में इतनी शक्ति है। और यदि माता गंगा के इस वेग को कोई रोक ना पाया तो माता सीधे पाताल में चली जाएगी और मेरे पूर्वज फिर अतृप्त रह जाएंगे। हे ईश्वर, हे भगवान, मैं क्या करूं, ये तो भारी अनर्थ हो जाएगा भगवान, भारी अनर्थ। नारायण नारायण, भागीरथ, जहां पर श्री हरि ब्रह्मा और देवों के देव महादेव हों वहां पर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि एक ने पृथ्वी पर गंगा को भेजा है तो निश्चित दूसरा उसके वेग को संभालेगा। तुम महादेव का गुणगान करो, हर हर महादेव। अपनी जटा को दिए बढ़ाए जटा के बीच में फंस गई गंगा, किधर को जाऊं गई भुला स्वर्ग से गिरी जटा में फंस गई। धरती में पानी पहुंच न पाए कैसे अपने पुरखा तारू, चिंता भागीरथ को गई सताए कहां गई गंगा महारानी। मुझको तो कुछ समझ न आए इतने में नारद या पहुंचे।
ही दिए समझा, शिव शंभू का ध्यान धरो तुम, दूजा नहीं है कोई उपाय, पुनः भागीरथ तप में बैठे, शिव शंभू का ध्यान लगाए, बहुत वर्ष की कठिन तपस्या, शिव जी का आसन दिए हिला, प्रकट हुए शिव शंभू दानी, भागीरथ से बोले मुस्कान, वर मांगो बेटा तुम हमसे, सिर नहाए सात खंड में बट गई धारा, शिव जी जटा लिए फैला, एक धारा ले जाओ धरा पे, जिससे अनर्थ न होने पाए, भागीरथ चल आगे आगे, पीछे से गंगा जी आए, भागीरथ तेरा नाम अमर हो, भागीरथी गंगा कहलाए, रथ के पीछे भागी गंगा। चलती गंगा माँ जाह्नवी ऋषि का यज्ञ सामग्री, गंगा माँ ने दिया बहा, जाह्नवी ऋषि ने क्रोध में आकर अपना अंजलि दिया लगा, पी गए पूरा जल गंगा का, नई मुसीबत गई है आए, पीछे मुड़ के देखा भागीरथ, कहीं नहीं गंगा जी दिखा, जाह्नवी ऋषि के पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर, मैं भागीरथ हूँ, मैं भागीरथ हूँ ऋषिवर, अपने पूर्वजों को तारने के लिए हजार वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता गंगा बड़े तीव्र वेग से आकाश से इस धरा पर आई। ऋषिवर, भगवान भोलेनाथ ने एक धारा के रूप में स्वयं माँ गंगा को मेरे पीछे भेजा है। गुरुवर, यदि यह धारा कपिल मुनि के आश्रम तक ना पहुंची तो मेरे पूर्वजों का तरना असंभव हो जाएगा। भगवान, हजारों वर्षों का तप व्यर्थ हो जाएगा। गुरुवर, कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति के लिए मेरे और मेरे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों से गंगा हेतु कठोर तप किया जा रहा है। भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करो गुरुवर, हमारे ऊपर कृपा करो। राजन, हम प्रसन्न हुए, तुम्हारा यश और तुम्हारे तप को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जाओ, गंगा तुम्हारे साथ ही जाएगी, यह लो। और तारो अपने पूर्वजों को, हमारा वरदान है कि गंगा तुम्हारे पूर्वजों के साथ साथ संसार के हर मानव को युगों युगों तक तारेगी, और तुम्हारे तप के कारण ही गंगा को अब मोक्षदायिनी भी कहा जाएगा। जाओ राजा, तुम्हारे पूर्वज की अस्थियां हजारों वर्षों से गंगा जल की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ राजन। जो आज्ञा भगवन। जाह्नवी ऋषि से भागीरथ
कल करती बहती जाए। कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, राख अस्तियां दही बहा, यहां पहुंची गंगा धारा को। गंगा को धारा पिला, तिलांजलि दिया गंगा जल से। पितर स्वर्ग लोक को जाए, ब्रह्मा विष्णु हर्षित हो गए। कैलाश पे शिव जी रहे मुस्कान, सभी देवता हर्षित होकर। माँ गंगा पे फूल बरसाए, भागीरथ गए अवधपुरी को। गंगा गई हिमालय, इसीलिए हरिद्वार कहाँ। गंगा माँ हरिद्वार में आई, जिसकी छवि न भरनी जहाँ, तारन तरनी गंगा जी ने। यहाँ पे आ हर सिरी नहा, जो भी यहाँ स्नान करे वो उत्तम फल को जाता पाए। महाकुंभ का मेला लगता, सभी लोग यहाँ आके नहाए। हर की पौड़ी भी हरिद्वार में, अति महा सुंदर दिखलाए। यहाँ कुंभ स्नान करे वो, सारे तीर्थों का फल पा, दुख दरिद्रता दूर करे माँ। अंत समय हर के द्वार जाए, यहाँ का निर्मल गंगा जल है। नील कंठ पे लोग चढ़ा, का अर्थ यज्ञ कहला, इसीलिए तो यह तीर्थ है।
गंगा के जल में रहे से रहा, जिनकी अस्थियां गंगा में जाए वो प्राणी सीधे स्वर्ग में जाए। यहाँ के पावन गंगा जल को विश्वनाथ पे भक्त चढ़ाए, मुंडन करा के पितर पूजा हिंदू धर्म के लोग कराए। यहाँ के पंडा पूजा कराने जजमान को गंगा तट पे ले जाए, गंगा दशहरा को गंगा घाट में। पूरी कभी ना जाए, काशी नगरी से चली माँ गंगा, गई है सागर बीच समाए। जहाँ पे माँ सागर में समाई, गंगा सागर तीर्थ कहा, सारे तीर्थ बार बार हैं। गंगा सागर एक ही बार, सर्व तीर्थ फल एक बार में। गंगा सागर जाके पहाँ, संजय तिवारी कथा को, संजय तिवारी लिखे कथा को, इनकी चूक क्षमा हो जाए। संजो बघेल ने दिया सुनाए, गंगा माँ की कथा सुनाए, संजो बघेल ने दिया सुनाए, गंगा सुनाए मां। निर्मल पावन अति मन भावन, गंगा तेरी धारा, पतित पावनी पाप नाशिनी, कहता है जग सारा। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे महारानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी, मुख से निकली गंगा तू लेकर पावन जलधारा, कामी क्रोधी लोभी को भी माँ गंगा तुमने तारा। गोमुख से निकली गंगा तू लेकर पावन जलधारा, कामी क्रोधी लोभी को भी माँ गंगा तुमने तारा। युगों युगों से तीन लोक में गूंजे तेरी कहानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी,
वजू करे मौलाना जल से पंडित प्यास बुझाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे तेरा नाता है। वजू करे मौलाना जल से पंडित प्यास बुझाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे तेरा नाता है। माता कह के तुम्हें पुकारे सारे हिंदुस्तानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। पर्वत जंगल मैदानों से बहती हुई गुजरती है। जल तरंग की स्वर लहरी से शिव का वंदन करती है। पर्वत जंगल मैदानों से बहती हुई गुजरती है। जल तरंग की स्वर लहरी से शिव का वंदन करती है। सात सुरों की ध्वनि को सुन के झूमे ओ घड़दानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। सूर्य देव भी पहली किरण से गंगा तुझको नमन करे। तेरे किनारे डुबकी लगा के साधु संत भी भजन करे। सूर्य देव भी पहली किरण से गंगा तुझको नमन करे। तेरे तट पे डुबकी लगा के साधु संत भी भजन करे। सुबह शाम तेरी आरती गावे सारे ऋषि मुनि ज्ञानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। शरण में आया माँ उसका तुमने उद्धार किया। कपिल मुनि से शापित सगर के पुत्रों को भी तार दिया। जो भी शरण में आया माँ उसका तुमने उद्धार किया। कपिल मुनि से शापित सगर के पुत्रों को भी तार दिया। भक्त भागीरथ की तुमने माँ हर ली सब परेशानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी।
महारानी। धरती की तू प्यास मिटाती, सबके संकट हरती है। अन्नदाता धनदाता गंगे पालन पोषण करती है। धरती की तू प्यास मिटाती, सबके संकट हरती है। अन्नदाता धनदाता गंगे पालन पोषण करती है। धरती के हर जीव पे मैया तेरी मेहरबानी, कल कल करती बहे दरा से तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। नासिक प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। सभी पंथ के साधु संत से पावन तट तेरा सजता है। हरिद्वार नासिक प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। सभी पंथ के साधु संत से पावन तट तेरा सजता है। कुंभ में डुबकी लगाते कटती भक्तों की परेशानी, कल कल करती बहे दरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। मगरमच्छ पे करती सवारी, श्वेत वस्त्र तू धारी माँ। सब जीवों पे कृपा है करती भक्त जनों की प्यारी माँ। मगरमच्छ पे करती सवारी, श्वेत वस्त्र तू धारी माँ। सब जीवों पे कृपा है करती भक्त जनों की प्यारी माँ। सब पापों को धोती है माँ गंगे जग कल्याणी, कल कल करती बहे दरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। समय में गंगा जल जिस नर के मुख में पड़ता है, उसके सारे पाप मिटे भव सागर पार उतरता है। अंत समय में गंगा जल जिस नर के मुख में पड़ता है,
उसके सारे पाप मिटे, भव सागर पार उतरता है, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाता वो, कह गए ऋषि मुनि ज्ञानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा